हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मनोवैज्ञानिक थांडाइप जी का वीडियो मैं लेके आया हूं। इस वीडियो में अधिगम के सिद्धांत का वर्णन करूंगा। यदि यह वीडियो आप सभी दोस्तों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईएल थांडाइप का अधिगम सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक थांडाइप जी ने सीखने के जो सिद्धांत दिए हैं उसकी पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं क्लियर करूंगा। इस वीडियो के देखने के बाद आप इस वीडियो को अपने जीवन भर में कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। दोस्तों, हम ये याद रखेंगे, अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना क्या है? सीखना जो है, मनुष्य जो है जब से जन्म लेता है, जब से पैदा होता है, मृत्यु तक सीखता है, जीवन पर्यंत सीखता है। व्यक्ति, मनुष्य जो है जब से जन्म लेता है जीवन पर्यंत सीखता है। अर्थात थांडाइप जी ने यहां पर जो सीखने के सिद्धांत दिए हैं आज उनकी विवेचना करने जा रहा हूं। दूसरी आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो आसान भाषा में सीखना क्या है? आप जो है एक छोटे से बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे को देखकर आपको पता चलेगा। छोटा बच्चा क्या होता है? वो दीपक को देखता है, आश्चर्य से देखता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, दीपक को छूने की कोशिश करता है, वो उसे देखना चाहता है, ये जो जल रहा है उसको पकड़ना चाहता है। जैसे ही वो छोटा बच्चा दीपक को पकड़ता है उसके हाथ को, हाथ जल जाता है बच्चे का। जैसे ही हाथ जल जाता है उसको पता चल जाता है कि दीपक को छूने से हाथ जल जाएगा। अर्थात बच्चा जो है अब दोबारा दीपक को कभी ना छुएगा, नहीं छूता है दोबारा, क्योंकि उसे पता चल गया, उसने सीख लिया, उसने अधिगम कर लिया कि यदि मैं दीपक को छूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। दोस्तों, थांडाइप जी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी पुस्तक की बात करें, इनकी जो पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में। 1913 में प्रकाशित हुई थी। उसी पुस्तक में थांडाइप जी के सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं और उन्हीं की मैं विवेचना करने जा रहा हूं। उनकी पुस्तक में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी विवेचना है, जितने भी सिद्धांत हैं, उनका मैं वर्णन करूंगा। बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम प्रकाशन हुआ था 1913 में, प्रकाशित हुई थी। उसी पुस्तक में सीखने के नियम का प्रतिपादन किया गया है। अगर अब आपके क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाएंगे कि उनकी पुस्तक का क्या नाम है, शिक्षा मनोविज्ञान कब प्रकाशित हुई थी, 1913 में प्रकाशित हुई थी, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया, थांडाइप जी ने किया। अर्थात थांडाइप कहां के निवासी थे? अमेरिकन थे, अमेरिका के निवासी थे। ईएल थांडाइप जी अमेरिका के निवासी थे। यहीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया, थांडाइप अमेरिकन जो मनोवैज्ञानिक है थांडाइप जी ने किया। सीखने के नियम का प्रतिपादन थांडाइप ने किया। वहीं से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, थांडाइप। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, थांडाइप। अब जो है इनकी जो एसआर थ्योरी है उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर जो क्वेश्चन चल रहे होंगे कहां के वैज्ञानिक थे, एग्जाम में, यहां तक कि सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का हो, या किसी भी प्रादेशिक टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, उन सभी में आपको थांडाइप छोड़ने वाले नहीं है, आएंगे जरूर। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको जब पता रहेगा तो आपको बार बार रखने की जरूरत नहीं है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है वीडियो। एक बार आपको यदि सही से याद हो गया, सही से वीडियो देख ली, आपको कभी नहीं भूलेगा थांडाइप। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था, अधिकतर प्रयोग इन्होंने पशुओं पर किया। इनका मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली, मृत मछली का मांस,
अब आपको मैं यहाँ पर इनकी जो एसआर थ्योरी है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। आप जो है बड़े ध्यान से समझिएगा इनकी एसआर थ्योरी किस तरह से इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, कैसे इसका प्रयोग किया पशुओं पर। अब यहां पर हमें सबसे पहले यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में थांडाइक जी ने क्या किया, थांडाइक ने एक पिंजरा लिया और उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। उनको पता था भूखी बिल्ली जब तड़पड़ाएगी खाने के लिए तो इसी तरह से उन्होंने एक पिंजरा लिया और पिंजड़े में उस भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। ध्यान देने की बात है, उस भूखी बिल्ली को थांडाइक जी ने पिंजड़े में बंद कर दिया। अब यहां से इस पिंजड़े को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी है, क्या अनुक्रिया जिसे इंग्लिश में रिस्पांस कहते हैं, और यहां पे अनुक्रिया का काम कौन करेगा, बिल्ली, अर्थात जो क्रिया को करने वाला है, जो भूखा है, जो उछलेगा, जो उद्दीपक को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ध्यान दीजिए, उद्दीपक या उद्दीपन, कहीं कहीं अलग अलग बुकों में दोनों दिया है, उद्दीपक उद्दीपन, इंग्लिश में इसे स्टिमुलस कहते हैं। तो याद रखिएगा अनुक्रिया, अर्थात अनुक्रिया, जैसे बिल्ली भूखी है, भोजन की तलाश में है, भोजन को पाना चाहती है, मछली का टुकड़ा जो है पिंजड़े के बाहर रखा हुआ है उसको पाना चाहती है, खाना चाहती है, तो मछली का जो मांस है, जो टुकड़ा है, वो क्या कहलाएगा, उद्दीपक कहलाएगा, वो बाहर रखा हुआ है, उस उद्दीपक को प्राप्त, अनुक्रिया जो होता है वो उद्दीपक को प्राप्त करता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्लास में, कक्षाओं में बच्चों को इस थ्योरी का जो है नियम लागू होता है, जब बच्चे के अंदर पढ़ने की, शिक्षा प्राप्त करने की, सीखने की, ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे को सीखने की भूख बड़ी तेजी से होती है तो फिर वो अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, उद्दीपक को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उद्दीपक को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो अब यहां पर फिगर के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। आप पूरे वीडियो को देखिए, अनुक्रिया जिसे इंग्लिश में रिस्पांस कहते हैं, यहां पर अनुक्रिया क्या है, बिल्ली है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अनुक्रिया क्या है, बिल्ली, इंग्लिश में रिस्पांस कहते हैं। उद्दीपक, उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उद्दीपक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टिमुलस, और उद्दीपक का काम कौन कर रहा है, मछली, अर्थात जो क्रिया करेगी, बिल्ली, अर्थात अनुक्रिया, और जिसे खाएगी, जिसको पाना चाहती है, तो वो क्या हो गया, स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक, मृत मछली। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, अनुक्रिया द्वारा उद्दीपक प्राप्त कर लेना अनुबंध कहलाता है। तो अब मैं अपने जो है फिगर पे आता हूं, यहां पर आप जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एक ही फिगर से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आप फिगर में देखिए, बिल्ली जो है भूखी है, थांडाइक ने क्या किया, बिल्ली को जो है पिंजड़े में बंद कर दिया, बिल्ली बहुत भूखी थी और उसका जो है पिंजड़े को लॉक कर दिया, और वो ऐसा पिंजरा था कि उसके अंदर एक खटका था। अब बिल्ली को नहीं पता था उसके अंदर खटका है, मांस का टुकड़ा बाहर रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मांस का टुकड़ा जो है, मछली का जो मांस है वो पिंजरे के बाहर रखा हुआ है, भूखी बिल्ली अंदर बंद है, पिंजरे का जो दरवाजा है वो बंद है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर देखो लिखा हुआ है ट्रैप डोर, अर्थात ये जो है खटके के दबने से खुलेगा। यहां पर जो है इसका, इस पिंजरे का ऐसा सिस्टम है कि यहां पर खटके पे पैर लगने के बाद इस डोरी से नीचे खींचेगा और यहां पे दरवाजा खटके के साथ खुल जाएगा, और जैसे ही खटके के साथ खुलेगा तो बाहर भूखी बिल्ली जो है बाहर आएगी और मांस के टुकड़े को खा लेगी, अर्थात मछली के टुकड़े को खा लेगी। यहां पर लिखा हुआ स्ट्रिंग यानी कि ये डोर है, ये इसका खटका यानी लीवर है, और यहाँ पे फिश मीट अर्थात मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, और इसके अंदर भूखी बिल्ली बंद है। अब आप ध्यान दीजिए, भूखी बिल्ली क्या है, अब यहां पर अभी मैंने आपको बताया अनुक्रिया, भूखी बिल्ली क्या है, अनुक्रिया, अनुक्रिया क्योंकि उसको भूख लग रही है, वो क्रिया करके जो है उस मांस के टुकड़े को पाना चाहती है, उस मांस के टुकड़े को खाना चाहती है, अपनी भूख मिटाना चाहती है। इसी तरह बच्चों पर लागू होता है, बच्चे जब पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अनुक्रिया करना चाहते हैं, तो फिर उद्दीपक, उद्दीपक क्या है,
टीचर है, ब्लैक बोर्ड है, पाठ्यक्रम है, तभी तो बच्चे सीखते हैं उससे। अध्यापक से सीखते हैं, पुस्तकों से सीखते हैं, पाठ्यक्रम से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं। तो उलझन पेटी पिंजरा में जैसे दिखाया गया है, अनुक्रिया कौन कर रहा है? अनुक्रियाकर्ता कौन है? बिल्ली। अनुक्रिया कौन हुआ? बिल्ली। अनुक्रियाकर्ता कौन हुआ? बिल्ली। अर्थात बिल्ली जो है भूखी है, वो मांस के टुकड़े को पाना चाहती है, उसे खाना चाहती है, और तेजी से झटपटा रही थी। झटपटाते उसका पैर जो है लीवर पे पड़ गया, उस खटके पे पड़ गया। खटके पे पड़ते ही, जैसे ही बिल्ली का पैर खटके पे पड़ा, तो पिंजड़े का जो है दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुलते ही बिल्ली बाहर आके उस मांस के टुकड़े को खा लिया। मांस का टुकड़ा क्या है? उद्दीपक है। बिल्ली क्या है? उद्दीपन है। अर्थात रिस्पॉन्स स्टिमुलस, दोनों में समायोजन हो गया, संबंध दोनों को। इसीलिए जो है थर्नडाइक जी के जो सीखने का नियम है, इस नियम को जो है संबंधवाद और संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजन हो गया, बिल्ली और मांस के टुकड़े में संयोजन हो गया, संबंध हो गया, दोनों एक दूसरे जो है बिल्ली आके मांस के टुकड़े को खा लिया। इसी जो है यहां पर मैं वर्णन करूंगा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अर्थात एसआर थ्योरी। उद्दीपक यानी कि मांस का टुकड़ा, अनुक्रिया अर्थात बिल्ली, दोनों में जो है परस्पर क्रिया हुई, झटपटाई बिल्ली, खटका खुला, जाके बाहर मांस का टुकड़ा खाई, प्रयास किया, बहुत सारी गलतियां भी हुई, बार बार प्रयास किया, इसे ही एसआर थ्योरी कहते। पेपरों में आता है थर्नडाइक जी का प्रमुख सिद्धांत कौन है, या थर्नडाइक जी का जो सीखने का सिद्धांत, उसे क्या कहते हैं? आप आंसर दोगे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, एक जो है कोहलर का दे देगा, एक जो है संज्ञानात्मक विकास का दे देगा, एक वाइगोत्स्की का दे देगा, स्किनर का दे देगा, एक ऑप्शन में जो है दिया रहेगा, पूछेगा थर्नडाइक जी का नियम कौन है, उसमें दिया रहेगा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अब आप उद्दीपक और अनुक्रिया को नहीं भूलोगे, रिस्पॉन्स स्टिमुलस आप नहीं भूलोगे, एसआर थ्योरी। तो अब आपको याद रहेगा इस पेटी के माध्यम से, इस उलझन पेटी, इस पिंजरे के माध्यम से, अर्थात बिल्ली जो है किस तरह मांस को पकड़ती है, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया का समायोजन होता है। तो इसलिए इसको जो है उद्दीपक अनुक्रिया दोनों का जो है एक दूसरे से जो है समायोजन होता है, संबंध स्थापित होता है, इसलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अब यहां पे देखिए बिल्ली बार बार प्रयास करती है, बार बार उससे त्रुटि यानी कि एरर, उससे गलती भी होती है, एरर होता है उससे, बार बार खटके को उसको नहीं पता है, बार बार झटपटाती है, बार बार बाहर आने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, जैसे बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चे बालक जो होते हैं वो सीखने का प्रयास करते हैं, ट्रायल एंड एरर, बार बार कोशिश करो, बार बार गलतियां हो रही है, बार बार प्रयास करो, बार बार गलतियां होंगी, अरे कहीं ना कहीं आपको बार बार जब गलतियां होंगी, फेलर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता का स्तंभ है, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा भी है, और ये बहुत ही फेमस थॉट है। तो बार बार प्रयास बिल्ली ने किया, बार बार उसे त्रुटि हुई, लेकिन उसको जो है सफलता मिल गई, उसका पैर जो है एक बार दब गया, और फिर उसे सीख लिया। अब उसको थर्नडाइक ने दोबारा बंद किया, मांस का टुकड़ा खा लिया, दोबारा बंद किया, उसने एक बार में ही पैर से रख दिया उसको, और वो खुल गया, फटाक से बाहर निकल आई बिल्ली। संबंधवाद का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। थर्नडाइक जी का जो सिद्धांत है उसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संयोजन का सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है इनके सिद्धांत है, आपने जो है इनके अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो समायोजन है, इस चित्र के माध्यम से आप जरूर समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं इनके जो है प्रमुख और गौण नियम। थर्नडाइक के सीखने के नियम की बात करें तो प्रमुख नियमों में पांच प्रमुख नियम हैं, और गौण नियमों की बात करें तो पांच, प्रमुख नियम कितने हैं? तीन। थर्नडाइक के सीखने के नियम, थर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रमुख नियम, मेन लॉज
कितने हैं? 3। थार्नडाइक जी ने प्रमुख नियमों में 3 को शामिल किया है। सीखने के प्रमुख कितने नियम बताए हैं? 3 नियम बताए हैं। कितने नियम? 3 नियम प्रमुख हैं और गौण नियम कितने हैं? 5 नियम है। याद रखना है, पेपरों में पूछता है थार्नडाइक जी के जो सीखने के प्रमुख नियम हैं वो कितने हैं, तो थार्नडाइक जी के जो टोटल नियम हैं वो कितने हैं? 8 नियम है। कितने हैं? 8। प्रमुख कितने हैं? प्रमुख नियम 3 हैं और गौण नियम 5 हैं। थार्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग, थार्नडाइक के सीखने के नियम, सीखने के प्रमुख नियम, मेन लॉज 3 कितने हैं? मेन लॉज कितने हैं? 3 हैं। थार्नडाइक जी ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के जो प्रमुख नियम बताए हैं, सीखने के प्रमुख नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब आपको जो है कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। सीटेट हो, यूपीटेट हो, किसी भी स्टेट का कोई सर्टिफिकेट हो, क्वेश्चन जरूर पूछता है या ये पूछ लेता है इसमें से कौन सा थार्नडाइक जी का नियम है, मुख्य नियम है, या इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको पता रहेगा तो आपका आंसर कभी नहीं गलत होने वाला है। तो थार्नडाइक जी के प्रमुख नियम कितने हैं? 3। गौण नियम कितने हैं? 5। इतना जरूर आपको याद करके चलना है। दूसरी बात, इनके प्रमुख नियमों के नाम याद करना है। कैसे? सीखने के प्रमुख नियम मेन लॉज कितने हैं? 3। पहला है तत्परता का नियम, लॉज ऑफ रीडीनेस। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहला जो प्रमुख नियम है तत्परता का नियम, अर्थात तत्परता को दूसरी भाषा में तैयारी का नियम कहते हैं। तैयारी का नियम अर्थात बालक जब विद्यालय में पढ़ता है, तैयारी के माध्यम से वो अपनी लर्निंग को बढ़ाता है, सीखने के जो नियम है, सीखने को सीखना चाहता है और सीखना चाहता है, अर्थात और अच्छी तैयारी करना चाहता है कि वो अच्छे से सीख सके, वो तैयारी करना चाहता है, इसे ही अधिगम कहते हैं। थार्नडाइक जी ने इसी को अधिगम कहा है। तो उनका पहला नियम क्या है? तैयारी का नियम अर्थात तत्परता का नियम। पहला है तत्परता का नियम, अर्थात दूसरी भाषा में बोले तो तैयारी का नियम। दूसरा है जो प्रमुख नियम है सीखने का, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बच्चे, थार्नडाइक जी ने अपने प्रयोगों में ये कहा है, अपनी पुस्तक में ये लिखा है, ये बताया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं तत्परता से, तत्परता अर्थात तैयारी से सीखते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं, आपने देखा होगा बच्चे एग्जाम में तैयारी करते हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वो तैयारी करते हैं कि हमारा जो है अगले महीने 5 जुलाई को सीटेट का एग्जाम है, या अगले महीने हमारा एग्जाम है, 2 हफ्ते बाद हमारा एग्जाम है, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो क्या हुआ? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस, अर्थात तत्परता तैयारी का नियम। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास, बच्चे हों या बड़े हों, दोस्तों बच्चे हों या बड़े हों, या हम खुद या आप स्वयं क्यों ना हो, हम लोग किससे सीखते हैं? अभ्यास का नियम अर्थात लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बार बार किसी काम को करने से हमारे अंदर एक जो है अभ्यास हो जाएगा उस काम को करने को, हमें वो कार्य करना है। जैसे कि थार्नडाइक जी ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में अभी जो है दर्शाया है, चित्रों में अभी आपने देखा था गौर करके कि जो है बिल्ली बार बार प्रयास करती है, बार बार कोशिश करती है, बार बार अभ्यास करती है, वहीं से तो निकल के आया है अभ्यास। जो प्रमुख नियम है, अभ्यास बार बार करो आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरा जो नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरे नियम की बात करें, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अभी आपने फिगर में देखा था बिल्ली जो है बार बार जो है मांस जो है मछली के जो मांस था उसको पाना चाहती थी, बार बार प्रयास कर रही थी उसको खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूखी थी, चेष्टा कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी उद्दीपन को पाने के लिए, अर्थात उद्दीपक को पाने के लिए, चाहे उद्दीपन बोले या उद्दीपक बोले दोनों एक ही है, वो मांस के टुकड़े को पाना चाहती थी। जब वो उसको पा गई, उसके अंदर एक प्रभाव पड़ा कि मैं इस क्रिया को करके मैं इस मांस के टुकड़े को पा सकती हूं, अर्थात यही तो है प्रभाव का नियम। अब उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ा, बच्चे के ऊपर जब अध्यापक पढ़ाता है, उसके पास करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वह
एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर में बच्चा सीखता है तो उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सभी चीजों का। तो तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अच्छा, हम इनके गौण नियमों की बात करें, सीखने के गौण नियम सब्सिडियरी ऑफ लर्निंग कितने हैं? 5, टोटल 5। प्रमुख कितने हैं? याद रखना है 3। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये आप पेपर में जरूर पूछता है, आप इसे रट लीजिए, आप समझ लीजिए इनको कैसे याद करना है। आप तत्परता तैयारी का नियम, अभ्यास एक्सरसाइज का नियम, प्रभाव का नियम जब काम हो जाता है, सीख जाते हैं बच्चे, या उद्दीपन और उद्दीपक जब संबंध स्थापित कर लेते हैं तो उससे प्रभाव निकल के आता है, जिसे प्रभाव का नियम कहते हैं। गौण नियमों की बात करें तो गौण नियम कितने दिए हैं थॉर्नडाइक जी ने? 5। सीखने के 5 गौण नियम है, आप जो है याद रख लीजिए। प्रमुख नियम कितने हैं? 3। गौण नियम कितने हैं? 5। कौन कौन से? पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, अर्थात आपने चित्र के माध्यम से देखा था कि बिल्ली जो है बार बार अनुक्रिया कर रही थी उस चीज को पाने के लिए। इसी तरह बालक जो है बार बार अनुक्रिया करता है सीखने के लिए, कोशिश करता है, ट्राई करता है बार बार, भले बार बार जो है गड़बड़ी हो जाए, बार बार गलतियां एरर आ जाए, लेकिन वो कोशिश करता है बार बार सीखने की। उसको जो है सहारा, उसको रास्ता पथ प्रदर्शक कौन है? अध्यापक। दूसरा करिकुलम, तीसरा एटमॉस्फेयर। तो बहुअनुक्रिया का नियम दूसरा है, जो गौण नियम में पहला है, अर्थात गौण नियम में जो पहला वो है अनुक्रिया, बहुअनुक्रिया का नियम, अर्थात बहुत सारी क्रियाएं करना। दूसरा है मनोवृत्ति, मानसिक स्थिति का नियम। दूसरा जो गौण नियम है थॉर्नडाइक जी ने जो दिया है, अब इससे हमें बालकों को सिर्फ सीखना है बालक। दूसरा क्या है? मनोवृत्ति, मानसिक स्थिति का नियम। हमें बच्चे को जो है उसको जब वो पढ़ता है, कोई बच्चा तेज होता है पढ़ने में, किसी की आईक्यू लेवल हाई होती है, किसी की जो है जड़ बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, तो इस तरह से हमें उसकी मानसिक स्थिति को भी देख के चलना है। तो थॉर्नडाइक जी ने जो सीखने के नियम में गौण नियमों में जो शामिल किया है वो दूसरा है मनोवृत्ति, मानसिक स्थिति का नियम। हमें उसके मानसिक स्थिति को देख के हमें उसकी स्टडी करवानी है, हमें उसके माइंड को समझना है, ये बच्चा आगे चलेगा कैसे, ये समझेगा कैसे, इसको समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, ये समझना है। वो लर्निंग क्यों नहीं कर रहा, वो सीख क्यों नहीं रहा है। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। जब बालक सीखता है, या हमने चित्र के माध्यम से बिल्ली और मांस के टुकड़े को देखा, उसमें जो है आंशिक, आंशिक का जो है उसमें बार बार बिल्ली प्रयास करती है, कहीं ना कहीं जो है आंशिक तौर पर वो जो है मांस के टुकड़े को पाना चाहती है, भले वो असफल हो जा रही है, बार बार उससे त्रुटियां हो रही है, एरर आ रहा है। तीसरा जो नियम है आंशिक क्रिया का नियम, जो है खटका खुलने से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, उसको पता चला और आंशिक रूप से वो जान गई कि जो है खटके खुलने से दरवाजा खुल जाएगा, डोर्स खुल जाएंगे और मैं मांस के टुकड़े को खा लूंगी। चौथा जो है सादृश्य अनुक्रिया का नियम, थॉर्नडाइक जी ने, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जी ने जो चौथा नियम दिया है सादृश्य अनुक्रिया का नियम, और पांचवा जो नियम दिया है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अर्थात स्टिमुलस रिस्पॉन्स, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। बालक क्या होता है? बालक को ही आप जो है विद्यालय में देखते हैं, शिक्षण कार्यों में देखते हैं, स्थानांतरण, कुछ बच्चे जो है उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है तो बहुत अच्छा सीखते हैं, उनके एटमॉस्फेयर को बदल दिया जाता है तो अच्छा सीखते हैं। बिल्ली को आपने देखा, बिल्ली जो है पहले कितना झटपटा रही थी, लेकिन जब बाद में वो सीख गई, अब बार बार उसको थॉर्नडाइक अंदर डाल रहे हैं और बार बार खटके को दबा के बाहर आ जा रही है, क्योंकि उसने सीख लिया। हमें भी जो है, अध्यापकों को भी, जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें जो है शिक्षण पद्धतियों को ध्यान देना, शिक्षण पद्धतियां, बालक को कैसे पढ़ाएं, किस तरह से बच्चे को समझ में आ जाए, हमें बच्चों के निगेटिव नहीं जाना है। आपका क्वेश्चन कभी भी सीटेट में गलत नहीं हो सकता है, क्यों नहीं गलत हो सकता है? आप जो है कभी बच्चों के खिलाफ मत जाइए,
सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम आप जो है बालक से सहचर्यात्मक यानी आपसी तालमेल उससे बनाइए, तभी जो है बच्चा सही से सीख पाएगा। बिल्ली जब जो है अपने अंदर जो है बार बार खटके को दबाने का उसके अंदर जो है एक सहचर्य हो गया तो बार बार स्थानांतरण कर रही है, बार बार अपने इस प्लेस को छोड़ के जाके मांस के टुकड़े को खा रही है। इसी तरह हमें बच्चे को भी समझना है, उसके एटमॉस्फेयर को समझना है, उसकी शिक्षण पद्धतियों को समझना है, पाठ्यक्रम को समझना है। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जी का मैंने एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के देखने के बाद आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। कौन सा आंसर? जो कि थॉर्नडाइक से रिलेटेड होगा, सीखने के नियम से रिलेटेड होगा। ऐसे कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस वीडियो को देखने के बाद आप से कभी वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।